इलाहाबाद झांसी स्नातक चुनाव और शिक्षक संघ चुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर नगर में घूम घूम कर जुलूस निकाला और आमजन में मिठाइयां बांटी। सपा सरकार की जनहित कार्यों से लोगों को अवगत कराते हुए भाजपा सरकार की जन विरोधी कार्यों की निंदा की। इस मौके पर सोमदत्त सिंह पटेल को राव एमएलसी चुनाव प्रभारी ने कहा कि जिस तरह चुनाव में हमारे नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता एकजुटता का परिचय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और इन्हीं के दम पर एमएलसी चुनाव में कोराव विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी ने भारी मतों के अंदर से चुनाव में जीत दर्ज कराई और जनता की हितकारी सरकार समाजवादी पार्टी है। मेहताब खान सपा नेता ने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि जनता ने जिस तरह से चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाई है और वर्षों से काबिज कुर्सी को हिलाने का कार्य किया है, इससे निश्चित रूप से भाजपा की नींद उड़ गई और जनता जान चुकी है आगामी सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। इस कारण हर वर्ग के लोग सपा से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से ललन सिंह पटेल, राजेश पांडे, विधानसभा सचिव राधेश्याम यादव, रामानुज यादव, प्रमोद मिश्रा, प्यासी शहादत अली, देवी चरण कुशवाहा, हरि प्रसाद पाल, मनोज सोनी, नौशाद अंसारी, मंगला कोल, गुलफाम खान, दीपू कुशवाहा, राजकुमार केसरी, अश्वनी पटेल, रविंद्र जैसल आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए गिरीश चंद शर्मा की खास रिपोर्ट। कोराव चौराहे पर जुलूस निकाला और खुशियां मनाई, किस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने खुशियां मनाई है? आज हम लोग समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एमएलसी का चुनाव डॉक्टर मान सिंह यादव जो भारी बहुमत से जीते हैं, इस संबंध में हम सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, नौजवानों, जितने भी स्नातक मतदाता हैं, सबको बधाई देता हूँ। उसी संबंध में हम लोग आज समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करते हुए मिठाई बांटने का काम किया। प्रदेश में बढ़े अपराधों पर आपका क्या कहना है? इस समय अपराध चरम पर है। जैसे आप लोग देखते रहे होंगे टीवी के माध्यम से, वहाँ स्नातक चुनाव में भी प्रशासन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्पेसिटी के ऊपर हमला किया, इसकी हम निंदा करते हैं। कोराव में तो कई हत्याएं हुई है, कोसफरा में हत्या हुई, महुली में हत्या हुई, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ। बैद्वार में इस समय अपराध चरम पर है, थाने पर दलालों का केवल अड्डा है, आम पब्लिक परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी के विधानसभा संयोजक थे एमएलसी चुनाव, आप जीत पर उत्साही कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं? सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हम सबके बीच में ईमानदार, नेक, कर्मठ प्रत्याशी बड़े भाई डॉक्टर मान सिंह यादव, बड़े भाई लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा जी जैसे प्रत्याशियों को हम लोगों के बीच में दिए, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करा के उनको जिताने का काम किए। और अपने कोराव विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के समस्त नेता या समस्त मतदाताओं का बहुत बहुत आभार जताते हैं, जिन्होंने हम सबके साथ मिलकर हमारे प्रत्याशी बड़े भाई मान सिंह यादव जी को जिताने का काम किए। और आप उन सबका बहुत बहुत आभार जो मतदाता आए और मतदान किए, और कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हम सबके साथ मिलकर काम किए।